में एक पुरानी कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। जर्मनी अब भारत की तरफ खड़ा हो गया है और अचानक से पीएम मोदी जर्मनी जा रहे हैं। पर इन सब के बीच एक बहुत बड़ी बात हुई है और ये बात शायद डॉक्टर एस जयशंकर के यूरोप को लेकर बयान देने के बाद हुई है। जानेंगे क्या है मामला, क्यों जा रहे हैं पीएम मोदी जर्मनी और जर्मनी के फैसले से यूक्रेन के मंसूबे पर पानी फिर सा गया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूरोप का ये देश जर्मनी बेहद महत्वपूर्ण है लेकिन जर्मनी के ऊपर अब बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है। वैसे आपको बता दें, जब ये युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था तब जर्मनी ने यूक्रेन को साफ साफ कह दिया था कि हम इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे, आपको मेडिकल सप्लाई चाहिए, आपको मानवीय सहायता चाहिए, वो हम देंगे लेकिन इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। ये सीधे सीधे जर्मनी की कही गई बातों। वहीं जर्मनी के जो नेवी चीफ थे जब वो भारत आए थे और ये युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, एडमिरल स्कोनबेच, तब उन्होंने ये साफ कहा था कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका सम्मान करना चाहिए, वो जो चाह रहे हैं वो गलत नहीं चाह रहे हैं। हालांकि एडमिरल के एचिम स्कोनबेच को आखिरकार देना पड़ा था इस्तीफा। जैसे ही वो वापस लौटे वैसे ही इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन नेवी चीफ ने जो बात कही थी वो गलत नहीं कही थी। और उस समय तक जर्मनी का यही था प्लान कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। इसके पीछे बड़ा कारण था। कारण ये था कि जर्मनी की निर्भरता बहुत ज्यादा है रूस के ऊपर, खास तौर पर गैस और तेल के लिए। और नेवी चीफ ने जो कहा उससे साफ दिख रहा था कि हाँ, वो इस विदेश नीति का समर्थन करते हैं। वैसे आपको बता दें, जो ये जर्मन नेवी चीफ थे जब भारत आए थे तो ये भारत के नेवी चीफ से भी मिले थे और आप उनके इस बयान को जरूर सुन सकते हैं। Please come out, ladies and gentlemen. What is my minister asked me? What do you think what Russia really wants? And I had this on the other side of the street. Russia really interested to have a small, tiny strip of Ukraine soil? Integrated in their country? No, this is nonsense. I think Putin is probably putting pressure on it because he can do it, and he knows that he splits the European Union. But what he really wants is respect. He wants, on eye level, he wants respect. And my God, giving someone respect is low cost, even no cost. So if I was asked, but I'm not asked, but I was asked, it is easy to even give him the respect he really demands and probably also deserves. Russia is an old country. Russia is an important country. Even we, India, Germany, we need Russia because we need Russia against China. Probably from your perspective, or from my perspective, I'm a really radical Roman Catholic. I'm believing in God and I'm believing in Christianity. And there we have a Christian country. Even Putin is an atheist, but it doesn't matter. I think having this big country, even if it's not a democracy at our side, as a bilateral partner, giving them a chance with the EU and also the United States of America, having them on eye level, same eye level. It is easy, it's an easy workout. And it keeps us probably Russia away from China, because China needs the resources of Russia. And they're willing to give them because our sanctions sometimes are going the wrong way. But this is foreign policy. This is made by politicians. Of course, we cannot agree on what Russia is doing and in Chechnya and all what else. That's had to be addressed. And yes, it's had to also address what is happening in Ukraine. Okay, the Crimea Peninsula is gone. They'll never come back. This is it. This is a fact. And we have to learn that political issues are factual questions and not emotions. So, I'm sorry, I did not even know what was the question anymore. जिसमें उन्होंने ये सीधे कहा था कि आपको क्या लगता है कि रूस को यूक्रेन की एक छोटी सी जमीन चाहिए? रूस चाह रहा है दुनिया से रेस्पेक्ट, आदर सम्मान, और रूस इस आदर सम्मान का हकदार है। हालांकि उनको इसकी बात की बहुत बड़ी सजा मिली जैसे ही वो पहुंचे वैसे ही इनको सेवा से हटा दिया गया। पर यहां इस स्पीच में आपको वो सारा कुछ बोलते हुए दिखेंगे जरूर। तो असल प्लानिंग ये थी
थी कि जर्मनी इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था, अपने रूस के साथ रिश्तों को भी खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन जैसे ही अमेरिका को इस चीज का आभास लगा कि जर्मनी कुछ ऐसा करना चाह रहा है और जर्मनी के नेवी चीफ ने उसके विदेश नीति को उजागर कर दिया है, तो फिर अमेरिका की तरफ से दबाव बन गया। और अमेरिका की तरफ से दबाव बनने के बाद चूंकि जर्मनी एक नाटो मेंबर है, नाटो देश है, तो ऐसे में जर्मनी को इस लड़ाई के लिए आना पड़ा। लेकिन जर्मनी ने इस लड़ाई में आते हुए एक सीमित योगदान दिया। सबसे पहले तो जर्मनी और फ्रांस ने ये कोशिश की कि इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन फिर भी जब ये युद्ध नहीं रुका और जर्मनी के ऊपर दबाव बनाने लगा अमेरिका, तो फिर जर्मनी ने ये कह दिया ठीक है, हम सीमित मात्रा में यूक्रेन को देंगे हथियार। अब ऐसे में जब प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने गैस और तेल के लिए, तब ये यूरोप के देश पूरी तरीके से बिफर गए। जर्मनी ने ये कह दिया कि नहीं, हम गैस और तेल का आयात बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आप जो सोच रहे हो कि युद्ध रुक जाएगा, युद्ध नहीं रुकेगा, बल्कि इसके बंद करने से हमारे अपने कारखाने, आर्थिक संकट, लाखों नौकरियां, ये सब कुछ चला जाएगा। अगर ये एक बार बंद हो जाते हैं ना, तो ये दरवाजे फिर से नहीं खुलते हैं, किसी फैक्ट्री को फिर से शुरू करना बहुत टफ हो जाता है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। और ये सब कुछ कह रहे हैं जर्मनी के चांसलर स्कोल्ज कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि पुतिन को आर्थिक प्रतिबंधों का डर है, तो वो कभी इस भयंकर युद्ध को शुरू ही नहीं करते, उनको इन चीजों का बिल्कुल भी डर नहीं है, इसलिए इस सोच से बाहर आ जाइए। मामले ने उछाल ले लिया तब जब डॉक्टर एस जयशंकर ने बयान, डॉक्टर एस जयशंकर ने जब 2+2 की मीटिंग में धो डाला यूरोप को और सीधे सीधे यूरोप को कहना शुरू कर दिया कि आपका फोकस हमारे ऊपर नहीं बल्कि यूरोप के ऊपर होना चाहिए कि यूरोप इतना गैस और तेल क्यों खरीदता है, तो इस बयान से एक हंगामा बना, जर्मनी के ऊपर नजर गया और जर्मनी को फिर दोष देना शुरू किया अमेरिका ने। पर अब जर्मनी ने एक चेतावनी दे दी है और जर्मनी के चांसलर ने ये बात साफ कहा है कि एक तो हम रूस और तेल से गैस खरीदना बंद नहीं करेंगे, वहीं दूसरी बड़ी बात ये है कि नाटो अगर इस युद्ध में शामिल हुआ, ये युद्ध एक विश्व युद्ध हो जाएगा, ऐसे में नाटो को इस युद्ध से दूर रहना चाहिए, इसी में उसकी भलाई। फिर एक कहानी आई, शायद वेस्टर्न मीडिया ने इस प्रोपेगेंडा को जारी किया कि G7 में जर्मनी भारत को नहीं बुला रहा, क्योंकि भारत ने रूस यूक्रेन में रूस का ही पक्ष लिया है, यूक्रेन की तरफ खड़ा नहीं दिख रहा है भारत। पर तुरंत फिर जर्मनी आया और उसने ये कहा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने बुलावा भेज दिया है। हालांकि अब इसमें कितनी सच्चाई है वो जर्मनी ही जाने, क्योंकि इनविटेशन भेजने में देर जरूर हुई थी। पर अब एक खबर निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी खुद जाने वाले हैं जर्मनी। और अब ये जर्मनी क्यों जा रहे हैं, तो आपको बता दें, पीएम मोदी एक तो पहली बार जर्मनी के जो नए चांसलर बने हैं स्कोल्ज, इनसे मिलेंगे। दूसरी बड़ी बात ये है कि यूरोप के साथ मिलकर कई ऐसी मीटिंग करना चाह रहे हैं जिससे कि यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक समझौते हो सके। वहीं दूसरी तरफ G7 में पार्टिसिपेशन भी एक मुद्दा हो सकता है। पर अभी बहुत ऐसी चीजें हैं जो निकल कर आनी बाकी है। और कथित तौर पर तो ये भी कहा जा रहा है कि नॉर्डिक देशों का जो अगले महीने मीटिंग होनी है, उसमें भी पीएम मोदी हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे आपको क्या लगता है, जर्मनी के अकल ठिकाने आ गए हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।